टाइटैनिक एक्चुअल में बेलफास्ट में ही बनी थी। ओ भाई साहब, यहाँ तो लिखा हुआ है इन्होंने इंग्लैंड इज आयरलैंड्स एनिमी। मतलब भाई साहब, इतना ह्यूज शिप था, बताओ डूब गया वो भी। ये जो होटल है ना यूरोपा करके, ये भाई वर्ल्ड का मोस्ट बॉम्ब्ड होटल है, यानी कि इस होटल पे काफी सारे बम गिरे यार। ड्रग वॉश वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे यार इंडिया में ना मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लड़की कार वॉशिंग में हो, है ना। यहाँ पे भाई नॉर्मल है ये सब, इस तरह से डूबी थी। बाकी जिन्होंने टाइटैनिक मूवी देखी है उनको तो पता ही होगा। खैर भाई साहब, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई हाथ धो के। ये देखो भाई साहब, मस्त लग रही है ना पैंट। ये भी मैंने प्राइमार्क से खरीदी थी, क्या सही लग रही है वाइट स्नीकर्स के ऊपर। एंड ऊपर मैंने पहन ली हुडी, क्योंकि बाहर हो रही है भैया ठंड, और अभी दिन में इतनी ठंड है, शाम या रात होते होते तो वैसे ना चिल्लियां निकल जाती है नॉर्दर्न आयरलैंड में। उस वक्त मैं बेलफास्ट, तो चल के भाई बेलफास्ट घूमते हैं, क्योंकि बेलफास्ट फेमस है टाइटैनिक के लिए। जी हाँ भाई, उसी टाइटैनिक के लिए। वो टाइटैनिक एक्चुअल में बेलफास्ट में ही बनी थी, तो इन्होंने टाइटैनिक से रिलेटेड ना एक प्रॉपर एग्जीबिशन ही बना दिया। उसकी टिकट बुक करी है मैंने, वहां चलते हैं। फटाफट से आपको भी दिखाता हूँ कैसे टाइटैनिक बनी थी, कैसे डूबी, क्या सीन था पूरा। खाया नहीं कुछ भी, ये फ्रूट्स मंगवा लिए थे मैंने उबर ईट से, बाकी ये चिप्स का एक पैकेट पड़ा है, थोड़ा बहुत इसी को खा के पेट भर लूंगा। देखो यार, मुझे पता है कि ना खाना जरूरी है लाइफ के लिए, बट मुझे बड़ा ना टाइम वेस्ट लगता है खाना खाना, कि मतलब पहले सोचो क्या खाना है, फिर उसको ऑर्डर करो या तो खुद बनाओ ऐसे। मतलब या तो बना बनाए कोई हाथ में सीधा दे दे कि हाँ ये लो जी खा लो, तो बच भी जाए टाइम। बट वैसे पता नहीं यार, अजीब बात है थोड़ी वैसे, है ना। बट अब लगता है तो लगता है, क्या करूँ, स्पेशली ट्रिप्स के दौरान। घर पे रहता हूँ तब नहीं। लिफ्ट ना इनकी भाई काम करती है नीचे आने के लिए, सिर्फ ऊपर आने का बटन ही खराब है। तो ऊपर सीढ़ियों से आओ, नीचे लिफ्ट से जाओ। बाकी एक बार और देख लो, मस्त लग रहा है सही में। पैंट का कलर भी मस्त लग रहा है, और वैसे फिटिंग विटिंग भी एकदम ओहो तगड़ी आई है। होटल वालों की अपनी पार्किंग है बैक साइड में, तो मजा आ गया भाई, फ्री में पार्किंग मिल गई। वरना 4-4, 5-5 हज़ार रुपए पे करने पड़ जाते एक दिन के, देख रहे हो कितनी भरी हुई है गाड़ी। अच्छा, आज एक और काम है भाई, अपनी गाड़ी की भी ना थोड़ी साफ सफाई करनी है, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 40 दिन से हमने गाड़ी साफ नहीं करी। जो कूड़ा कचरा होता है बाहर तो हम रोड पे फेंकते नहीं है, गाड़ी में ही रखते रहते हैं। देखो ये खड़ी गाड़ी भाई, बाहर से तो गंदी हो ही रही है, अंदर से तो सड़ी पड़ी है बहुत बुरी वाली। कल मैं जब अकेला चला के आ रहा था ना, तब मुझे रियलाइज हुआ भाई कि ज्यादा ही गंदी कर रखी है गाड़ी, इसको साफ करवा लेना चाहिए। होता क्या है ना यूरोप में यार, ना मतलब अपने इंडिया की तरह पानी वानी नहीं मिलता। जैसे इंडिया में क्या, होटल वालों को कह दो कि पाइप दे दो भैया हम धो लेते हैं, यहाँ पे कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए वॉश भी नहीं हो पाती है, और इतना टाइम निकलता नहीं है कि स्पेशली जाओ वॉश करवाओ। बट आज मैंने सोचा है कि मैं टाइटैनिक म्यूजियम होके उसके बाद ना इसको वॉश करवाने ही जाऊंगा आज अच्छे से बाहर से भी, और कोशिश करूंगा अगर अंदर से भी ड्राई क्लीनिंग होगी तो करवा लूंगा, क्योंकि अभी भी भाई 15-20 दिन है इस गाड़ी के साथ मुझे। नहीं सॉरी, गाड़ी के साथ तो 7-8 दिन ही है, लंदन में वैसे मैं 15-20 दिन हूँ। पहले एक काम करता हूँ, जितना कूड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना गाड़ी में, वो सब निकाल के किसी थैली में डाल लेता हूँ, जैसे वो थैली है ना उसमें भर लेता हूँ। ये देख रहे हो सारे रैपर वैपर अंदर ही पड़े हैं। ये करने के बाद फिर म्यूजियम जाता हूँ, और म्यूजियम से फटाफट से घूम के आता हूँ, और फिर गाड़ी को लेकर जाऊंगा। एक मैंने देख लिया पास में ही है, तो आपको भी दिखाऊंगा भाई कि आयरलैंड या यूके में वॉशिंग का क्या प्राइस है एंड क्या प्रोसीजर है, क्या वहाँ पे बंदा मिलेगा वॉशिंग करने वाला या खुद करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। सब देखेंगे चल के। मतलब देखो, कई लोग तो लिटरली गालियाँ देंगे इतनी गंदी गाड़ी देख के, सारे टिश्यू पेपर यहीं फेंक रखे हैं। ये देखो डैशबोर्ड में पैर ही पैर लगे पड़े हर जगह पे, ये सब चमकानी है गाड़ी। पहले ये बड़ा बड़ा जो सामान दिख रहा है ना, ये एक एक करके भाई उठा ही लूं, इसमें भरता चलता हूं सारा का सारा। ये देख लो भाई साहब, पूरा कुकी का ही डब्बा फेंक रखा है अंदर। ये रहा टिश्यू ही टिश्यू है हर जगह, टिश्यू जहां नजर जाएगी टिश्यू। ये तो कपड़ा भी इतना सड़ गया, इस ट्रिप में इतना ज्यादा यूज किया है, कमल भैया ने दिया था वहां पे अपना करोल बाग से। अब जो गंद भाई ये अंदर ही फंसा पड़ा है पिस्ता के, देखो वो तो, ये तो नहीं निकल पाएंगे ये इंडिया जाके, या फिर वो भाई कर देंगे अगर वॉशिंग वाले। इस तरफ भी देख लेते हैं भाई, यहाँ पे तो थोड़े बहुत ही है टिशू, बट वैसे मिट्टी बहुत हो रही है कारपेट पे, तो ये टिशू निकाल लेता हूँ खाली। देख रहे हो मतलब हम रोड पे ना यहाँ भाई बिल्कुल गंदगी नहीं फैलाते, ऐसे सारी चीजें जो है अंदर ही डाल लेते हैं, ताकि बाद में डस्टबिन में डाल दे। वो अलग बात है कि डस्टबिन में डाला नहीं 40 दिन से पिछले, गाड़ी को ही डस्टबिन बना रखा था। ये गिर गया भाई, ये रहा एक टिशू और, यहाँ भी पिस्ता के है काफी सारे छिलके। ये देखो भाई, मैट के नीचे छुप छुप के सारी पर्चियां वर्चियां, लो बैक में भी अगेन टिशू ही टिशू भाई, कितने टिशू है पता नहीं। ये पंखा देखो भाई, यूज आ गया बस, मेरे को लग रहा है इसके पैसे वसूल मैंने कर लिए जितनी बार मैंने इसको चलाया। तो अब ये मैं ना दीदी के घर ही छोड़ के चला जाऊंगा लंदन में, मतलब इंडिया क्या ही ले जाना इतने बड़े पंखे को। जितना ले जाने में लग जाएंगे ना पैसे, उतने का तो इंडिया में दो आ जाएंगे, नए तो फायदा नहीं ना। यहाँ निकलेगा गंद तो असली है, देखो ये हमने मेन डस्टबिन बना रखा है गाड़ी का, जो रैपर डब्बे फालतू के बोतलें खाली होती है वो सब यहाँ पटक देते हैं। देख रहे हो कब का पड़ा पता नहीं। ओ भाई साहब, गद्दा ना ये लगता तो छोटा सा है बट
मुड़ता नहीं है इजिली भाई साहब, देखना कितना है। चलो भाई मोटा मोटा कूड़ा सारा मैंने निकाल दिया है, डस्टबिन भारी बने हुए इतने सारे ब्लू और ग्रीन, इन्हीं में से डाल देते हैं एक में किसी में अपनी थैली, ये ग्रीन वाले में डाल देते हैं, पता नहीं इसका मतलब क्या। वैसे तो मुझे खैर ग्रीन वैसे तो रिसाइकल का कलर होता है, बट सबने पॉलीथीन डाल रखी है तो क्या ही फर्क पड़ता है। जल्दी चलो भाई ये गेट बंद कर देते, कभी मैं बाहर रह जाऊँ और अपनी गाड़ी अंदर फंसी हो फिर। बाकी मच्छर वच्छर भी थोड़े बहुत मरे पड़े आगे, ये भी साफ हो जाएंगे, प्रेशर वॉश लगेगा एक बार, तो वो डिक्की चेक कर लेता हूँ, डिक्की में भी अगर कुछ कूड़ा है तो निकाल ही दूँ। ट्राईपोड लाया था, ये एक शॉट नहीं लिया इससे भाई, फालतू में जगह ही घेर लिए बस। ऐसे बैठे बैठे ना कभी कभी भाई हिट होता है कि ओ शिट इंडिया से यूके आ गया भाई गाड़ी चला के, ये कैसे हो गया, सच है कि नहीं है, फिर चूटी मारता हूँ तो हाँ यार सच ही है। बट इस ट्रिप में ना भाई लिटरली इतनी कंट्रीज में ट्रैवल किया है, कभी जर्मनी, कभी इटली, कभी स्विट्जरलैंड, और सच बताऊँ ना ट्रैवलिंग के दौरान एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ के लोकल लोगों से बात करने में, क्योंकि जो इन कंट्रीज के लोग है ना भाई वो प्रेफर करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना। भाई इस सब चीजों से बचने के लिए मेरे पास है डुओलिंगो ऐप, ये ना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहाँ पर ना आप 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो, अब चाहे हिंदी टू इंग्लिश सीखना हो या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो। देखो सबसे पहले ना आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आप सीखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे सीखना चाहता हूँ इटालियन तो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें ना इसमें भाई इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमें गेम की तरह सोल्व करने होते हैं। एंड सबसे अच्छी बात भाई ये ऐप ना आपको खाली बोलना नहीं सिखाता बल्कि साथ ही साथ में आपको पढ़ना और सुनना भी सिखाता है। इसमें काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे मेरे जैसे बंदे के लिए ट्रैवलिंग हो गया, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, ताकि आप एफिशिएंटली कोई भी लैंग्वेज सीख सको। तो इसलिए अगर आपको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है या कोई और लैंग्वेज सीखनी है ना, अभी के अभी डाउनलोड करो डुओलिंगो ऐप को, एंड वो भी भाई बिल्कुल फ्री में। लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। मेरी तरह अगर आप भी ट्रैवलिंग करने वाले हो इन देशों में तो भैया कोई भी लैंग्वेज पहले ही सीख लो, इटालियन जैसे मैं सीख रहा हूँ। चेक इन तो कर रखा है ना आपने? हाँ हाँ ये आपका, उनको बोल दो नंबर लिखवा दो गाड़ी का, फिर वो अंदर आने देंगे। वैसे तो खुला है गेट, आ जाओ अंदर ही, पर लिखवा दो एक बार। ये भाई भी अपने इंडिया से ही लग रहे हैं, पर यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ की गाड़ी है शायद से। देखो मर्सिडीज नहीं भाई, इंडिया से नहीं थे, पाकिस्तान से थे। बाकी चलो गाड़ी का सारा कूड़ा वूड़ा फेंक दिया है, अब निकलते हैं जरा म्यूजियम की तरफ। वैसे पता नहीं उसको म्यूजियम बोलेंगे या क्या बोलेंगे, नाम टाइटैनिक है उसका। तो कुछ इस तरह का एरिया है भाई अपने हॉस्टल के आसपास का, और जो सिटी सेंटर है ना वो अराउंड 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो पैदल भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे भी ना वो साइकिल रेंट पे मिल जाती है। तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया नेक्स्ट बाइक करके, वहाँ से जाके साइकिल उठाते हैं और सिटी सेंटर चलते हैं। फिर सिटी सेंटर से भी ना 1.5 किलोमीटर आगे है अपना ये टाइटैनिक, जहाँ पे मुझे जाना है। तो पहले सिटी सेंटर घूमेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे फिर। ये देखो भाई गूगल मैप पे लोकेशन दिखा रहा है साइकिल की, बस मुड़ते ही यहाँ पे है। लो भाई अपनी साइकिल मिल गई है, बस रेंट बाइक पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है QR कोड दे रखा है इसमें, ये रहा, ये स्कैन करते ही अपना जो है साइकिल अनलॉक हो जाएगी। चलो भाई, और यहाँ पे रेट है 30 मिनट्स का 1 pound, यानी 100 रुपये में, 110 रुपये में आप 30 मिनट तक चला सकते हो। तो अपने को 30 मिनट के लिए चाहिए जाने जाने के लिए, के बाद तो क्या ही है पैदल चलेंगे। सीट एडजस्ट कर लिया भाई अपने हिसाब से, अब मस्त चलाऊंगा। ये भाई इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है, नॉर्मल वाली साइकिल है, इसलिए 30 मिनट के 1 पाउंड है, वरना तो 30 मिनट के बहुत ज्यादा ले लेते हैं ये। भाई सिटी सेंटर पहुंच चुके हैं, बट बारिश शुरू हो गई, अब थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कैसे घूमेंगे। छतरी तो है वैसे तो खैर, बट देखते हैं। चलो वो आप देख रहे हो ऊपर ग्रैंड सेंट्रल करके होटल है, ये है भाई पूरे बेलफास्ट का सबसे बड़ा होटल है, और इसी के साइड में देखो ये कॉजवे एक्सचेंज भी है। ये देखो इस तरह का स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे फंसा दिया मैंने साइकिल, लाइट जल गई थी इसमें ग्रीन कलर की, तो अब लॉक कर देते हैं। ये लॉक दे रखा है सीधा ऐसे, और मुझे लगा खाली ना पार्क कर सकते हैं इसको, तो टाइम नोट नहीं होगा, बट ये भाई जैसी इसमें मैंने फिट करा ये तो लॉक ही हो गई, मतलब 1 pound इन्होंने काट लिया, और सिर्फ मैंने 10 मिनट ही चलाई है जबकि, बट कोई नहीं। चलो बाकी ये है भाई यहाँ का सिटी सेंटर, आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ भड़क्का हो रहा है यहाँ पे, हालांकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है कि टूरिस्ट आपको दिखे। और ये राइट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है यहाँ का सिटी हॉल, मतलब इस शहर की है, इस सेंटर की जो मेन बिल्डिंग है, वो अंदर जाके दिखाता हूँ अच्छे से। बाकी इस तरह के ना साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, आप उसको देख देख के जा सकते हो। और ये एंट्रेंस है भाई यहाँ से, एंड ये देख लो भैया कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ का सिटी हॉल भाई साहब, मतलब वो ये आर्किटेक्चर या फिर स्टैचूज़ वगैरह आप देखोगे ना काफ़ी सारे बने होते हैं, एंड ग्रीन कलर का डोम ज़रूर होता है। बाकी कुछ इस तरह का नज़ारा है। इसके अंदर ना एक्चुअल में एक म्यूजियम बना हुआ है, बट म्यूजियम जाना नहीं है भाई मेरे को, तो बाहर से देख लिया अच्छा है। और ज़्यादा बड़ा सिटी सेंटर नहीं है इनका, यहाँ पर देखो यहाँ का लोकल बैंक नेशन वाइड करके है, ATM वगैरह भी बने हुए हैं। और यहाँ पे एक और रास्ता जा रहा है, तो थोड़ा यहाँ भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। गाड़ी देख रहे हो मर्सिडीज़ भाई कन्वर्टेबल हो, क्या बात है।
भाई ये सामने स्टोर है ना, यहाँ से लेते हैं सोविनियर, मतलब कि वही सेम अपना भाई फ्रिज मैग्नेट और पोस्ट कार्ड। बेलफास्ट आया तो लेना बनता है ना भाई, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग कंट्री है ये एक तरह से। पोस्ट कार्ड तो भाई भारी मिल जाएंगे, पर अंदर हमें जाना है मैग्नेट्स के लिए पहले तो। ओ अच्छे है यार, मैग्नेट्स तो काफी सारे दिख रहे हैं, देखो सारे। अच्छा नहीं, ये मैग्नेट नहीं है भाई, ये तो पिंस है। मैग्नेट कहाँ पर है इनके, ये देखो भाई काफी सारे है। मेरे को वैसे पसंद तो ये आया था, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट में है तो कलर होता ले लेता, इसलिए ये वाला सोच रहा हूँ मैं लेने के लिए। ये ज्यादा बढ़िया है भाई, इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी लिखा हुआ है और बेलफास्ट भी लिखा है। वही है भाई, एक लोगे तो 5 पाउंड का, 3 लोगे तो 12 पाउंड में भाई। और ये देखो भाई फेमस आयरिश हैट मिल रही है यहाँ पे, बट कितने की है, 20 पाउंड की जरा सी, मतलब 2000 रुपए की। तो ये तो नहीं ले रहा भाई, खाली यही ले रहा हूँ मैं। और चाचा भाई से तो मिलवाना भूल ही गया लास्ट व्लॉग में, वैसे तो आप मिल ली होंगे इनसे, बट भाई आज भी जो है वो मेरे को सिटी सेंटर घुमा रहे हैं यहाँ से, और प्लस आज इनके यहाँ पे जाके डिनर भी करने वाले हैं हम, ना मजा आएगा भाई, घर का खाना खाएंगे रात को। और देख रहे हैं भाई कुछ चीज अगर समझ आती है लेने लायक, वैसे दिख तो नहीं रहा, मतलब पसंद तो बहुत चीजें आ रही है बट ले जाने में टेंशन है। गाड़ी में मैंने आपको बताया जैसे कि शिपिंग के वक्त सामान डाल नहीं सकते, ले जाना पड़ेगा तो फ्लाइट से ले जाना पड़ेगा, और वो पहली बैग इतने भारी हो रहे हैं। अब यार अंदर गए थे और इतने में इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, देखना अब जा भी नहीं पाऊंगा मैं। टाइटेनिक वाला जो एग्जीबिशन है वो यहाँ से लगभग 15-20 मिनट की वॉक पे है भाई, और 3 बजे की टिकट है मेरी, बताओ। चलो भाई रुक गई, शुक्र है, मतलब देख लो ऐसे ही है भाई यहाँ का सीन, 2 मिनट आती है 2 मिनट में बंद हो जाती है। अब देख लो बिल्कुल भी एक बूंद नहीं टपक रही और अभी इतनी तेज आ रही थी। तो भाई तो अपनी साइकिल लाए हुए, मैंने अपनी साइकिल छोड़ दी है, बट कोई नहीं यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे। 15 मिनट लगेंगे, होपफुली 15 मिनट तक बारिश ना आए। इस जगह का नाम है भाई बिग फिश, और क्यों है ये नाम ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ा ये स्टैचू सा रखा हुआ है बिग मछली का। इसी के साथ में एक ये पुल है भाई, बता रहे हैं यहाँ से ना फोटो आती है बहुत तगड़ी इस बैकग्राउंड के साथ में, तो यहाँ पे एक फोटो लेते हैं भाई मस्त सी को इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। बाकी ये जो आप पानी देख रहे हो ना, इसका नाम है भाई लगान रिवर, और यहीं से 10 मिनट आगे इनका पोर्ट भी है। मुझे नहीं पता था बेलफास्ट से भी ना फेरी चलती है भाई अपना लिवरपूल तक की, बट वो 8 घंटे लगाती है, तो इतना तो फायदा नहीं है अपना, वहीं से सही है डुबलिन से होलीहर्ट तक कितने की थी 3.5-3.5 घंटे की, तो वो ज़्यादा सही रहता है। वैसे इतना हालत ख़राब हो जाती है भाई क्रूज में तो मोशन सिकनेस की वजह से। एंड वो सामने आप देख रहे हो H&W करके येलो कलर की क्रेन है, ये भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। अब क्यों फेमस है ये तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि जब टाइटैनिक बनी थी ना भाई उस टाइम की ये क्रेन है, मतलब। तो मैंने आपको बता दी बात कि टाइटैनिक एक्चुअल में बेलफास्ट में ही बनी थी, इसलिए यहाँ पे इनका ये एग्जीबिशन है पूरा का पूरा प्रॉपर। एंड ये देखो भाई आयरलैंड की ट्रेन जा रही है, क्या बात है भाई साहब, गजब। आयरलैंड नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड की जो UK का पार्ट है। ये जो अपने सब्सक्राइबर भाई है ना, ये भी बता रहे हैं कि आयरिश लोगों के बीच में ना थोड़ा सा दिक्कत चलती है, वो नॉर्दर्न आयरलैंड को अभी भी आयरलैंड का ही पार्ट मानते, UK का नहीं मानते पार्ट। तो पता नहीं क्या सीन है, अब मैं ऐसे मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता उल्टा जो सच ना हो, तो आप खुद ही रिसर्च कर लेना। एंड एक ये डॉक यार्ड आया है, यहाँ पे लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट्स खड़ी करी हुई है, ये देखो। और वो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो अजीब सी, वो है भाई टाइटैनिक बिल्डिंग जहाँ मुझे जाना है, और अभी ये ब्रिज भी क्रॉस करना है भाई वहाँ जाने के लिए। मुझे तो लगा था थोड़ा ही होगा रास्ता, बट चलते चलते मर गए भाई, साइकिल ले आते यहाँ तक अच्छा रहता, हालत ख़राब हो गई। वैसे गाड़ी भी ला सकता था भाई, यहाँ पे देखो पार्किंग बनी हुई है काफ़ी सारी। शिट यार कोई नहीं, चलो भाई ने अपनी साइकिल दे दी थोड़ी देर के लिए, भाई पैदल पैदल चल रहे हैं, बस आ ही गया बोरा सामने बिल्कुल। और एक ये यहाँ की देखो बिल्डिंग है 3-7-7 आर्च बिल्डिंग्स बोलते हैं इन्हें, आर्क बिल्डिंग। भाई बता रहे हैं जो आर्क बिल्डिंग है ना, इसमें कितने 1.2 लाख का है, 1.3 लाख पर मंथ में आपको मिल जाएगा 2 BHK अपार्टमेंट। और व्यू देखो सामने ही डॉकयार्ड है बिल्कुल भाई साहब, मतलब 60,000 रुपये में आपको सिंगल बेडरूम मिल जाएगा। तो इसमें 2 ही लोग रह पाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। अच्छा फैमिली होगा तो 3 लोग रह सकते, वरना जितने बेडरूम होते हैं ना भाई उतने ही लोग अलाउड होते हैं, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो पर बंदा वही है 600 पाउंड पर मंथ रेंट पड़ेगा 60,000 रुपये का। बाकी एक भाई यहीं पे शिप खड़ी हुई है नोमैडिक करके, ये ना टाइटैनिक के टाइम की ही शिप है, अब ऑब्वियसली रिटायर हो चुकी है शिप, तो इसलिए इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। बट साइज़ आप देखोगे ना भाई छोटा है ये काफ़ी, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो बड़ी थी ऑब्वियसली, बट अभी छोटी सी लग रही, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी क्रूज शिप बहुत सारी आती है। ये देखो भाई कैसे ना पत्थरों पे इसको खड़ा कर रखा, और ये इतना बड़ा पंखा होता था जिससे चलती थी, बट बहुत सही है भाई देखना, ह्यूज शिप है, ह्यूज मतलब इतनी बड़ी भी नहीं कि आप समझो, बट वैसे देखने में लग रही है बड़ी। ये देखो भाई कितनी सही बिल्डिंग लग रही है ना, ऐसे अलग ही तरह का आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का, और वहाँ नाम भी लिखा हुआ है टाइटैनिक बेलफास्ट। एंड इसी के जस्ट साइड में भाई यहाँ पे होटल भी है जिसका नाम भी टाइटैनिक ही रखा हुआ है, मतलब ये लग नहीं रहा ना होटल कहीं से, ऐसा लग रहा है नॉर्मल बिल्डिंग हो कमर्शियल या रेजिडेंशियल, बट ये होटल है एक्चुअल में। एंड बिल्डिंग के नीचे भी टाइटैनिक लिखा हुआ है, और पूरा जंग लगा हुआ है इसमें भी भाई, मतलब ओल्ड लुक दे रखी है ऐसे पूरी। मेरी टिकट्स बुक है, भाई ने तो जाना नहीं है, तो भाई कह रहे हैं मैं वेट कर लूँगा 12 घंटा। मैंने कहा जाओ यार घर, ऐसे वेट क्या करोगे, मतलब हैं
नहीं, आपके लिए सब कुछ है। अरे यार, तो वैसे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, चलो फिर मैं आता हूँ फटाफट, है ना। कितना, आधा घंटा लगेगा? मैं आधा पौना घंटा लगेगा, टिकट का टाइम हो रहा है मेरी, फटाफट चलते। ठीक है, मिलता हूँ मैं अभी, यहीं मिलोगे ना? बिल्कुल, यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, चलो मैं कॉल कर लूँगा यहाँ तो। ओके, चलो जी, चलो एंट्री ली जाए, देखे तो सही अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इंटरेस्टिंग होगा तो आपको ढंग से दिखाऊंगा, अगर कुछ बोरिंग हुआ तो नहीं दिखाऊंगा। मतलब ऑब्वियसली अगर मुझे बोरिंग लग रहा है भाई, तो आपको भी बोरिंग ही लगेगा। ओ भाई साहब, भीड़ तो हो रही है, मतलब काफ़ी टूरिस्ट आए हुए, देख रहे हो। ये देखो भाई, यहाँ से जो एंट्रेंस है, टिकट चेक हो रही है, तो कुछ भी स्कैन वगैरह नहीं करा इन्होंने, बस खाली टिकट देखी और जाने दिया। एक स्टोर भी है नीचे, देखो टाइटैनिक का, यहाँ भी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, आते वक्त लूँगा, अभी तो ऊपर चलते हैं पहले फिलहाल भाई यहाँ पे। चलो भाई, एंट्रेंस हो गई है, यहाँ पे तो पूरा हिस्ट्री विस्ट्री समझाई गई है टाउन की भी और वैसे भी। ये देखो यहाँ दिखाया गया 1907 में पूरा आयरलैंड एक ही हुआ करता था, डुबलिन एरा और बेलफास्ट एरा। भाई ओ भाई साहब, यहाँ तो लिखा हुआ है इन्होंने, इंग्लैंड इज आयरलैंड्स एनिमी। एंड ये मिनी स्ट्रक्चर के थ्रू ना समझाया गया है कि उस टाइम पे शिप बिल्डिंग कैसे हुआ करती थी लकड़ियों से। मतलब देख रहे हो, ये बंदा एक एक ऐसे पिलर्स को जोड़ रहा है पूरा और फिर जाके बनती है। भाई साहब, इन्होंने तो ये लोहे का पूरा रैक वैक सा ना, देखना, सेट कर रखा है। और लिफ्ट भी है जो ऊपर तक जाती है। एंड ऐसे देखो, प्रोजेक्टर भी चल रहा है जगह जगह पे। तो ये लाइन लगी पड़ी है, मुझे लग रहा है यहीं पे ही है जो है इंटरेस्टिंग, इसलिए इतनी भीड़ है, क्योंकि तो लिफ्ट में जाने के बाद ऊपर पता चलेगा। यहाँ से शुरू है भाई टाइटैनिक का एक्सपीरियंस पूरा। ओ अच्छा भाई, यहाँ से देखो केबल कार है जो हमें लेकर जा रही है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो भाई साहब, मतलब कहीं मस्ती जगह ले जाने वाले हैं। देख रहे हो कैसी केबल कार है, त्रिकोणी सी ये आ रही है एरी। भाई साहब ये देखो भाई, इस तरह की है ये केबल कार, दो बंदे आगे बैठ जाएंगे, दो बंदे पीछे बैठ जाएंगे, चार लोगों के लिए मस्त एकदम। कैसे हाईटेक सी नहीं लग रही, बड़ी है, कम से कम ओपन है भाई, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। तो अभी बड़ी देर बाद जो है, 15 मिनट हो चुके हैं, बट मेरा नंबर आने ही वाला है 3-4 लोगों के बाद। इसी में बैठ, इसमें नहीं, शायद अगली जो आएगी ना उसमें बैठूंगा। चलो भाई बैठ गए हैं, लॉक लगा लिया, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो रहा है सारा। कोशिश करूंगा अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखा दूंगा। अबे भाई साहब, ख़त्म भी हो गए तो लिटरली, मतलब कितने, 2-3 मिनट का ही होगा। छोटा सा ही था, मतलब दिखाया गया कैसे बनाया गया था टाइटैनिक को, ऐसे हथौड़ों से जो है वो पेज कसे जाते थे। और टूर ख़त्म भी हो गया, बताओ भाई, जरा सही था, कुछ खास भी नहीं इतना। ये देखो भाई, यहाँ रखी हुई है शिप एक्चुअल में, मतलब उसका मॉडल बना के देख रहे हो आप, कितना बड़ा था भाई साहब, ह्यूज। टाइटैनिक शिप में ना, ये वहाँ का थर्ड क्लास कैबिन था, ये देखो लिखा हुआ ना। तो इस तरह से अगर आप थर्ड क्लास कैबिन उस वक्त बुक करते तो कुछ इस तरह से मिलता। देखो, एक बंक बेड ऊपर है, एक नीचे है, और ये वॉशरूम बना हुआ, मतलब वॉश बेसिन सा, इतना सा बिल्कुल पिद्दू। एंड ये था भाई साहब फर्स्ट क्लास कैबिन, प्रॉपर एक बेड लगा हुआ है यहाँ पे, देखो चेयर्स वगैरह लगी हुई है, रिक्लाइनर लगा हुआ है, सिंगल बेड लगा हुआ है, तो बहुत बड़ा कैबिन है ये। एंड इस दीवार पे काफ़ी सारी फोटोज लगी हुई है टाइटैनिक शिप के अंदर कैसे दिखता था, तो आप ये भी देख सकते हो, इस तरह से बड़े बड़े वो कैबिन्स बने होते थे भाई साहब। मतलब भाई साहब, इतना ह्यूज शिप था, बताओ, डूब गया वो भी, इतना कुछ था उसके अंदर, इतने सारे लोग थे, इस तरह से डूबी थी। बाकी जिन्होंने टाइटैनिक मूवी देखी है उनको तो पता ही होगा। खैर, देख रहे हो कितनी ह्यूज शिप और पानी के अंदर जा रही है, मतलब समुद्र भाई किसी को नहीं बख्शता। यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है, 713 लोग बच गए थे, 512 लोग जो है वो चले गए थे भाई साहब, सबके नाम लिखे हुए लाइन से एकदम। एवरेज एज थी 30 ईयर। इधर भी देखो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर लटका रखा है शिप का भाई यार, कसम से कितनी ह्यूज थी, और बताओ पूरी डूब गई। एंड यहाँ पे देखो ये बना रखा है, इसके आगे आप अपनी फोटोज खींच सकते हो मूवी की तरह। चलो जी, एग्जीबिशन खत्म। 25 पाउंड की टिकट थी, यानी कि 2500-2600 रुपए की। मजा, मतलब मन है आ जाना, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा कि यहाँ 2500 रुपए वसूल हो गए पूरे। स्टोर में भी यार कुछ खास चीज नहीं है, मतलब मैग्नेट जो मेरे को चाहिए थी मिल नहीं रही, और जो मिल रही है 7 पाउंड, मतलब 700 रुपए 900 रुपए, क्या फायदा। छोड़ो भाई, बाहर चलते हैं, भाई वेट कर रहे होंगे काफी देर से। नहीं यार, वैसे मेरे को 30 मिनट ही हुआ है, मैं 30 मिनट में पूरा घूम भी लिया अंदर भाई,
सही है। बाकी चलो अभी कुछ खाने का देखता हूँ जुगाड़। बताओ वेट कर रहे हैं भाई साहब इतनी देर से। चले इधर इधर की तरफ। साइकिल कहाँ मिलेगी? आसपास देखूँ, यहाँ देखूँ कहीं ऐप में चेक कर लेता हूँ, आसपास मिल जाएगी ना। हाँ होगी यहाँ कहीं। देखो ये ऐप है इनकी, यहाँ पे ही है। कितना दूर है? 0.2 माइल। चलो इस साइड में ही है कहीं पे। लो जी मिल गया है, ये रहा बेलफास्ट बाइक्स। इनमें से कोई एक ले लेते हैं, वापिस से 100 रुपए लगेंगे। स्कैन कर लिया है। चलो जी चलो स्टार्ट हो गई भाई। रेंटल शुरू हो चुका है, लेकिन लॉक भी खुल गया यहाँ का, लेकिन आगे से हट ही नहीं रहा। ये कोई बटन वटन तो नहीं है? निकल तो जाना चाहिए, हल्का सा उठा के करना। ओ भाई यार ये तो लफड़ा हो गया, फालतू के पैसे लग जाएंगे और साइकिल भी नहीं मिली भाई। इनका ना तो कोई कस्टमर केयर उठा रहा है। योर रेंटल वॉज कैंसल्ड। ओ हो गया कैंसिल शायद इसका रहा। अरे भाई पैसे लगे जा रहे थे, वरना मैं डर गया था। हो गया कैंसिल हो गया। चलो भाई पंगे में फालतू के ना कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि अब निकल भी नहीं रही थी साइकिल, वरना पाउंड पे पाउंड कटते रहते। अब ये लेता हूँ भाई, होपफुली इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये तो खुला ही हुआ है, चलो शुक्र है। ये भी ना हो रहा भाई, हद हो गई। देखना इसका भी शुरू हो गया। पहले काम तमाम भाई। क्या इनकी सारी साइकिलों में दिक्कत है भाई, इसमें भी अब 100 रुपए लग जाएंगे, फालतू फंड के पैसे जाए जा रहे हैं। चलो जी ये वाली निकल गई साइकिल फाइनली, एंड कस्टमर केयर ने भी फोन उठा लिया था, तो उन्होंने बाकी 2 कैंसिल कर दी और पैसे भी नहीं कटे, तो बढ़िया। चलो जी चलो अब लेकर चलते हैं इसको भाई। यहाँ पे जो रूल्स है ना, वो खाली गाड़ियों और बाइकों वालों के लिए नहीं है, साइकिल वालों के लिए भी है। एक्चुअल में हेलमेट पहनना होना चाहिए, वरना चालान काट देते हैं। चलान होता भाई? तो अभी ये सामने देखो पुलिस वाले खड़े हुए, इसलिए हमने चलान नहीं रहे, मतलब खाली पैसे पैदल पैदल ले जा रहे हैं, क्योंकि पैदल पैदल ले जाने में तो हेलमेट की जरूरत नहीं है ना, तो बच गए, वरना खामखा चलान हो जाता। चलो भाई पुलिस की गाड़ी गई, हम भी साइकिल पे चढ़ गए। ये जो होटल है ना यूरोपा करके, ये भाई वर्ल्ड का मोस्ट बॉम्ब्ड होटल है, यानी कि इस होटल पे काफी सारे बम गिरे हैं। हालांकि अब तो आपको पता नहीं चलेगा बम गिरे हैं, क्योंकि रेनोवेशन हो रखी है प्रॉपर की बात है। पक्का भाई ने बताया, देख लो, मेरे को तो पता ये लग नहीं रहा देखने से कहीं से, भी इतना मस्त लग रहा है। पहुंच गया भाई होटल, बारिश आ गई थी थोड़ी थोड़ी, बट अब गाड़ी को लेकर चलना है भैया वॉशिंग करवाने के लिए। भाई यहीं कहीं पे ही दिखा रहा है कार वॉशिंग और इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग की दुकान ना, बट यहाँ पे भीड़ बहुत है इस वाले एरिया में। और कसम से यार इतने क्रेजी रिएक्शन आ रहे हैं ना लोगों के, मतलब महंगी से महंगी गाड़ियां जा रही हो, बट मेरी गाड़ी को जरूर देख रहे हैं पलट पलट के। यहाँ कोई बात है भैया, इतनी मस्त ऐसे रैपिंग करवा रखी है, ऊपर से लिखा हुआ दिल्ली टू लंदन बाय रोड, तो लोगों की आंखें खुल जाती है वही देखते ही। मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे तो बाल काटने के ही 20-25 पाउंड ले लेते हैं, यानी कि 2,500 रुपए। तो गाड़ी वॉशिंग का तो और ज्यादा मेहनत का काम है, टाइम भी ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब यूरोप और यूके में क्या है, सामान आपको भले ही सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जो लेबर वर्क है ना भाई वो बहुत महंगा है, तो लेबर का पैसा होता है यहाँ पे सारा। अब पता नहीं यार गाड़ी धोने में कितने मांग लेंगे, पता चले कह दे कि गाड़ी वॉश करने की जगह अपनी गाड़ी छोड़ दो, यहाँ पे इतने पैसे हो गए। ओ ये रहा यही है भाई, राइट साइड में देखो ट्रैफिक ना रुक रहा भाई, कैसे जाऊं, जल्दी रोको भैया। हाँ बस ये लास्ट गाड़ी है, वरना मेरे पीछे भी आप देखोगे भीड़ लग चुकी है। पर यहाँ पे ना लोग हॉर्न वोन नहीं मारते, मतलब कि पी 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 चलाओ चलाओ चलाओ, ये सब नहीं होता यहाँ पे। अरे 5 पाउंड लिखा यार, 500 रुपए तो बहुत सही है अगर 5 पाउंड में हुआ तो। इन भाई साहब से बात करता हूँ जाके, कसम से भाई 5 पाउंड में हो गई तो मजा सा आ जाएगा। पर ये बाहर से करेंगे 5 पाउंड में, अंदर से ज्यादा लेंगे शायद, और यहाँ पे बंदा है। चलो ये भी सही है, मुझे नहीं धोनी पड़ेगी। ओहो मजे आ गए भाई, आज तो गाड़ी अपनी देख रहे हो चमकेगी मस्त। एक्सक्यूज मी, कार वॉश? यस, फ्रॉम इनसाइड आल्सो, इनसाइड एंड आउटसाइड, हाउ मच फॉर बोथ? 20 पाउंड फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, एंड फॉर आउटसाइड जस्ट 10 पाउंड? ओके या बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, ओके नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस? नो आफ्टर दिस, आफ्टर दिस ओके। तो भाई सही है, व्हाट ओके। तो वो भाई साहब कह रहे हैं गाड़ी के अंदर ही बैठ जाओ, बाहर से अगर खाली करवाता हूँ तो 10 पाउंड, और अगर अंदर बाहर दोनों जगह से करवाता हूँ तो 20 पाउंड, यानी 2,000 रुपये। तो वैसे तो पता है इंडिया में अगर आप अंदर बाहर से करवाओ तो मेरे ख्याल 800 रुपये तो ले ही लेते हैं ना, ड्राई क्लीनिंग वगैरह के मिला के। मैंने डिटेलिंग बोल से करवाई थी, 800-1,000 रुपये ही था शायद से। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर 3 गुना भी रेट है, 3 गुना भी का डबल है 2,000 रुपये, तो ठीक है बढ़िया हो जाएगा भाई। और वॉशिंग करने वाले ना यहाँ पे भाई 2 लोग इंडिया या पाकिस्तान के हैं, क्योंकि ना पहचान में नहीं आते भाई इंडिया का कौन है पाकिस्तान का। बोलने के तरीके से फिर भी पहचान जाएंगे, पर अपीयरेंस सेम है दोनों की। तो भाई ने कहा है गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये गाड़ी होएगी, उसके बाद वो ब्लैक वाली BMW होएगी, देन मेरा नंबर है भाई। चलो भाई अपना नंबर भी आ गया यार, अभी तो ये फिलहाल बाहर से साफ कर रहे हैं खाली, मेरे ख्याल अंदर से आगे जाके साफ करेंगे, फिर मैं अंदर ही बैठा रहूंगा, बाहर से पिचकारी मारेंगे। पॉसिबल टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू लंदन? यस यस।
By road? Yes, we shipped our car from India to Iran, then from Iran to London by road. Yes, yes, this is our route map. Long journey, yeah. Yeah, long journey, 4 months. 4 months? Yes. भाई भी हैरान हो गए कि पॉसिबल है भाई साहब लंदन आना ऐसे बाय रोड। तो ऑब्वियसली वैसे पॉसिबल है अगर आप चाइना या म्यांमार वाले रूट से आओ, मैंने बताई हुई है ये चीज़। बट चाइना म्यांमार में एंट्री में दिक्कत आ रही थी इसलिए हमें ईरान शिप करनी पड़ी। और कोई चांस है? रोमेनिया? यस, गुड गुड। यू आर फ्रॉम रोमेनिया? ओ नाइस, मुझे लगा भाई इंडिया या पाकिस्तान से, बट एक्चुअल में रोमेनिया से है। से हाय। तो भाई पहले तो इन्होंने एक ये केमिकल सा मारा है टायरों पे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ड्रग वॉश? ड्रग वॉश पता नहीं भाई क्या है। ड्रग वॉश तो टायरों पे मारा, इससे शायद टायर वायर चमक जाएंगे ऊपर। इसके अलावा फिर ये मारेंगे सॉल्यूशन वो वाला। धूप यार इधर से ही निकलनी थी क्या? शिट यार, ढंग से नहीं बनेगी ये। देखो भाई, सो दिस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग टायर्स ओनली? Yeah, we use it for the body as well. Body as well, okay. But the problem is that it depends on the, we can't use it on the top. Yes, this is wrap. Yes, yes. If you put it inside, Oh, okay. But it's good for the body. Like yes, yes. This one. Without wrap, right? Exactly. Yes, yes. So this is like some kind of chemical? Yes, it's a chemical. Okay. तो भाई ये कह रहे chemical होता है, हम body पे भी मारते हैं, but क्योंकि मेरी गाड़ी में very strong. We need to mix it with water. Okay. तो ये भाई water के साथ mixed है, direct नहीं मार सकते, काफी strong है। और मेरी गाड़ी की body पे तो मारेंगे भी नहीं क्योंकि मैंने बताया ना wrap हो रखा है। तो लो भाई पानी लेकर आ गए ये। ओहो अलॉय तो चमक गए भाई, इससे गजब यार भाई साहब, चमका दिया अलॉय व्हील तो इन्होंने एकदम, देख रहे हो गजब भाई साहब। ओके, it doesn't do anything. Uh-huh. But if I put the chemical, okay. If I put the water as well, uh-huh. It's going to damage the wrap. Okay. इतना हार्ड केमिकल है भाई, बट अलॉय व्हील कसम से भाई सब देख रहे हो चमक से गए। अभी ये कपड़ा उपड़ा मारेंगे तो निखर जाएगा। टायर भी देख रहे हो कितने तगड़े हो गए भाई। तो एक नंबर का केमिकल है ये। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मारते ना, इंडिया में तो डायरेक्ट पानी से वॉश करते हैं और फिर ये साबुन वाला सोल्यूशन मार देते हैं। तो ये भाई शुरू हो गए हैं। यू आर ऑल्सो फ्रॉम रोमेनिया? रोमेनिया? हाँ, ये भाई भी रोमेनिया से, मुझे लगा इंडिया या पाकिस्तान से है। दोनों भाई रोमेनिया से है। हेलो जी, अब हो रहा है सोपी सॉल्यूशन का मिक्सचर, इस पे लगेगा प्रॉपर ताकि ये जो मच्छर वच्छर है सारे हट जाए पूरी। ये देखो BMW आ गई भाई इतने में। एंड व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम? अफ्रीका। ओह नाइस, हैव यू एवर बीन टू इंडिया? No, I've been in Libya. Libya, okay. I've been in Libya. Uh-huh. I've been in Tunis, I've been in Sudan, I've been in Ethiopia, I've been in Central Africa. Oh. I've been in Cameroon. Many countries. Yeah. And how long in UK? 3 years. 10 years, ओ गॉड। मस्त लोग है भाई, बट एकदम ना तगड़ा ही स्टाफ है। ऐसे पूरा ना कैमरा से इनको दिक्कत है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और पूरा प्रॉपर ऐसे ना बातचीत भी कर रहे हैं अपना। तो गाड़ी भी चमक जाएगी मस्त, और अपना थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा सबके साथ। बाकी प्राइजेस देखोगे ना भाई, इन्होंने ये हैंड वॉश एंड व्हील्स क्लीन लिखा हुआ है 5 और 7। स्मॉल कार ओके। बिग कार के लिए 10 pounds है, छोटी गाड़ी के लिए 5 pounds है। और इसके अलावा भाई ये देख लो, अलग अलग चीज़ें हैं काफ़ी सारी, अंदर बाहर सब मिला के। तो मेरे को लग रहा है मेरा ये वाला है भाई, इसमें क्या वैक्यूम वगैरह सब करेंगे, सीट्स क्लीन करेंगे, बूट क्लीन करेंगे, अंदर से ग्लास क्लीन करेंगे, फ्रेम क्लीन करेंगे, और केमिकल ड्राई वगैरह सब कुछ करेंगे। 18 pounds है यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज, बट मेरे से मांग रहे हैं ये 20 pounds, तो 2 pounds एक्स्ट्रा मांग लिए, या फिर ये पुराने रेट है पता नहीं। अभी भाई सामने से एक लड़की आई, वो भी कार वॉश कर रही थी, कह रही अलाउड नहीं है यहाँ पे। बट मैंने कहा मैं तो अपने आप को शूट कर रहा हूँ। कह रही यस यू कैन शूट योर कार बट नॉट पीपल हेयर। तो मैंने कहा मैंने तो उनसे पूछ के ही कर रहा हूँ शूट भाई, कोई जान पूछ के मतलब जबरदस्ती थोड़ी मार रहा हूँ कैमरा मुँह पे, है ना। तो ठीक है यार, मतलब कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कोई नहीं। वो लड़की शायद यहीं की लग रही थी मुझे, बट कोई नहीं, अब अपनी हम गाड़ी को ही शूट कर लेंगे, लोगों को नहीं करेंगे यार, ऐसे किसी को क्यों वो करना है ना। चलो भाई ये कह रहे हैं अब आगे लो गाड़ी को ताकि अगले प्रोसेस की तरफ पहुँचे हम। अभी यहाँ पर इन्होंने हाथ से कपड़ा उपड़ा तो मार दिया है, देखते हैं अगले स्टेप में शायद ये बाहर से पानी मारेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो इंटीरियर पूरा ड्राई क्लीन होगा।
लेट्स गो भाई, चलो जी चलो चलो। वो देखो सामने दिख रही है गाड़ी व्हाइट वाली, वो लड़की साफ कर रही है। दैट्स इट गुड। ओ भाई साहब इन्होंने तो पानी मारना शुरू कर दिया मैं अब बाहर नहीं निकल सकता, अंदर ही बैठ के देखना पड़ेगा। तो भाई एकदम मस्त चमक जाएगी गड्डी अपनी। ओए होए होए बल्ले बल्ले। चलो जी बाहर निकलने का मौका मिल गया है। चलो भाई वॉशिंग काम हो गया है, अब आगे जाके वहाँ उस एरिया में होएगी ड्राई क्लीनिंग। बट भाई वहाँ पे वो लड़की काम कर रही है और शायद मेरी गाड़ी भी वही साफ़ करेगी, तो इसलिए वीडियो ना ही बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा। ड्राई क्लीनिंग की एक बार साफ़ सूफ हो जाएगी तब दिखा दूंगा। दो लड़की है भाई, दूसरी तो आंटी सी है, थोड़ी सही लग रही है कि कुछ बोलेगी नहीं, बट जो दूसरी है ना जवान वाली वो थोड़ी ज़्यादा वो है। खामखा फिर से सुनाए, उससे अच्छा तो कैमरा ना ही लगाऊंगा भाई। चलो जी एक BMW हटी है, उसकी जगह पे अपनी गड्डी लग रही है यहाँ पे। लेट्स गो भाई। चलो जी चलो इस जगह पे लगा दी है। ये जो डिक्की का डेंट है ना बस अजीब सा लगता है, ये देखो यहाँ पे भी छेद छेद से हो रहे हैं और नीचे से लाइटें भी टूटी पड़ी है। बट फर्स्ट डे ही ईरान में सिर्फ अपना जो है वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भाई एक बार भी टचवुड कहीं पे कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ना कि भाई हल्के में बला टल गई, तो पहले दिन ही अपने ट्रिप के थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट उसके बाद पूरी की पूरी ट्रिप 80 डेज हमने शायद ड्राइव किया स्मूथली निकले। वैसे यार इंडिया में ना मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लड़की कार वॉशिंग में हो, है ना, यहाँ पे भाई नॉर्मल है ये सब, वो भी एक नहीं दो दो। वैसे भाई मैंने ये जो डिटेलिंग बुल से एलोए पेंट करवाए थे और ये कैलिपर पेंट करवाए थे ना, मुझे लगा था इनका पेंट उतर जाएगा इतने दिन ऐसे कीचड़ में डस्ट में चलाएंगे, बट ये कुछ भी उतरा नहीं भाई, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है सेम। पीछे से तो भाई देख लो बिल्कुल चमक गई है, वैक्यूम मारा ना इन्होंने सारा डस्ट निकल गया, और आगे भी इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि ये हैरान हो गए। गुड जॉब। हाँ ओके, आगे भी हैरान हो गए इतनी मिट्टी देख के, यहाँ से भी अभी साफ कर लेंगे अच्छे से। तो ये भाई साहब तो खुद ही कह रहे हैं मेरी वीडियो लो, और वो लड़की मना करे जा रही है बार बार। ये देखो दूसरी सीट पे बैठी है। या गुड गुड गुड, इतने वो आए भाई कट ही लूं वरना वो सुनाएगी फालतू में। भाई साहब ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई हाथ धो के। ये भैया जो है वो अपना मतलब गाड़ी में से डब्बे डुब्बे बाहर निकाल रहे थे ड्राई क्लीनिंग के लिए, बट उनको मना कर दिया और मेरे को आके कहती कि अपना सामान निकाल लो खुद ताकि वो साफ कर सके। मैंने कहा वाह भैया ये तो अलग ही चीज़ है, मतलब जो खुद से निकाल के साफ कर रहा है ना उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मोहतरमा को दिक्कत है। बाकी यहाँ से भी देख लो पूरा साफ हो चुका है, कारपेट वगैरह मतलब गाड़ी का कारपेट साफ हुआ है, ऊपर का जो मैट था वो अभी लेकर गए हुए वॉशिंग के लिए, एक बार वो लगा देंगे फिर ये डब्बा जो है अंदर रख देंगे। इस डब्बे की बात कर रहा था मैं, खुद निकाल रहे थे उन भाई ने वहाँ का निकाल दिया, लेकिन फिर वो आ गई कह रही खुद निकालो, ये मैंने निकाला। पता नहीं क्या इतना चिड़चिड़ापन है लड़कियों को यहाँ पे। चलो जी चलो सारा कुछ हो गया है, एक डब्बा मैंने रखा एक डब्बा भाई ने रखवा दिया, थैंक यू सो मच। ये चलो या है गद्दा भी सेट हो गया है मस्त भाई पीछे का, तो आगे का भी साफ़ हो चुका है, पूरा मैट वैट लगा दिए हैं। ये बाकी अपने लोअर क्या कहते हैं इसे जो भी मेन है, अब बस अपना डिक्की बची हुई है, डिक्की काफ़ी गंदी है, तो ये सामान अब डिक्की से निकाल के सेकंड सीट पे रखना पड़ेगा और फिर जो है वो डिक्की क्लीन होगी। ये जो गाड़ी साफ़ कर रहे थे इतने अच्छे है भाई साहब, इन्होंने ये देखो परफ्यूम दिया, कह रहे कि यहाँ लटका लो बहुत मस्त है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे ना भाई दो दो चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। ये भैया और वो जो दो तीन भैया पहले मिले थे इतने बढ़िया है भाई, नेचर वाइज मस्त बात कर रहे हैं, और एक तरफ वो लड़की है भाई साहब जो चिक 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 करे जा रही है बस। चलो जी इसको लटका देते हैं यहाँ पे, मस्त खुशबू आएगी। ओए होए होए एक्चुअल में अच्छी है यार खुशबू तो। होए होए मस्त एकदम पूरा ना फ्रेश सा हो गया कैबिन, एंड चमका दिया भाई इन्होंने पूरा का पूरा। देख रहे हो कहीं पे भी मिट्टी विट्टी जरा भी नहीं दिख रही, पूरा ये सारा एरिया एकदम क्लीन हो। एंड ये हमारा डस्टबिन वाला एरिया ये भी साफ हो गया अच्छे से। ये वैक्यूम क्लीनिंग वाली मशीन बड़ी मस्त होती है, सारा डस्ट निकाल लेती है। अब डिक्की रह गई बस, डिक्की साफ होनी है, वो है वो देखो लड़की, और ये साफ हो जाएगा एक बार अपना तो मस्त हो जाएगा क्लीन। और इन्होंने ना भाई सारे दरवाजों के शीशे विंडशील्ड सब चमकाई है। अच्छा ये रह गया भाई सनरूफ, ये भी कह देता हूँ चमका देंगे, न्यू क्लीन सनरूफ ऑल्सो या ओके कह रहे हैं भाई। बस मस्त है यार ये भैया तो एकदम बल्गेरिया के है, खुश हो गए जब इनको पता चला ना इस ट्रिप पे हम बल्गेरिया होके आए हैं, तो बड़े ऐसे मस्त बातें कर रहे हैं मेरे से। भाई साहब बाकियों से तो हंस हंस के बात कर रही है लड़की, इतना मेरे से ही दुश्मनी निकालनी है कि कोई, बट कुछ भी कहो भाई वो जो केमिकल था ना उससे अलॉय व्हील एकदम ऐसे चमक सा गया बिल्कुल, और वो केमिकल ना इन्होंने नंबर प्लेट में भी लगाया ताकि ये जो मच्छर वच्छर है ना हट जाए, बट इतने मजबूत मच्छर है, इतना खतरनाक खून है मच्छरों का कि प्रॉपर हटे ही नहीं। देखो उन्होंने खूब रगड़ा कई देर तक, यहाँ से तो अच्छे से हट गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी होंगे मच्छर, देखो वो ग्रिल है ना वहाँ पर भी बहुत मच्छर चिपके हुए।
हुआ है, बट ये नहीं साफ हुआ अभी प्रॉपर। चलो भाई, सनरूफ बची थी एंड वो भी अब साफ हो गई है मस्त एकदम। लो भाई, कर कर आते हुए 20 पाउंड और उस लड़की को ही देने हैं जाके, बताओ। अब पैसे देने के टाइम पे भी चिक चिक ना करे भाई। 20 पाउंड राइट? या थैंक यू बाय, टिप फॉर यू। थैंक यू वेरी मच भाई। चलो जी, चलो पेमेंट दे दिया उनको। और वो जो भैया थे ना बल्गेरिया वाले, बड़े अच्छे थे, तो मैंने उनको टिप भी दे दी थोड़ी सी। कितनी दी है वो नहीं बता सकता, बट वो खुश हो गए भाई टिप लेके। टिप मैंने काम के लिए नहीं दी है, टिप मैंने दी है उनके बिहेवियर की वजह से। जिस हिसाब से खुश मिजाज थे, अपनी जॉब को प्यार करते हैं, मतलब हंसी हंसी मतलब खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे, इसलिए मैंने दी। अभी तो वैसे अंधेरा नहीं हुआ, काफी देर है, तो देखता हूँ अगर कुछ घूमने की जगह मिलेगी तो घूम लूंगा, वरना फिर उन भाई के अपार्टमेंट में चलते हैं सीधा। खुशबू भाई बहुत तगड़ी आ रही है ये, मतलब ना लेमन वाला फ्लेवर है ये, एकदम ना ऐसे रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है कि मतलब जी भी नहीं खराब होएगा आपका और कैबिन भी आपको मस्त लगेगा। ये लाइन से भाई राइट साइड में जितनी भी गाड़ियां जा रही है ना, लिटरली एक एक बंदा जो है ना वो गाड़ी को ही देख रहा है मेरी, बताओ। देख लो अब ऐसे ही थोड़ी भैया, हरियाणा का नंबर स्पेशली गुड़गांव का यूके की सड़कों में दौड़ रहा है ना। लो जी लो, आ गया हूँ अपने हॉस्टल वापस। पार्किंग में खड़ी करनी है, बट इन्होंने गेट बंद कर रखा है, तो वही भाई ये कॉल लगानी पड़ेगी इनको, तभी खोलेंगे गेट। और ये पार्किंग ना सिर्फ और सिर्फ भाई जिन्होंने बुक कर रखा है उन्हीं के लिए है, कोई भी नहीं खड़ी कर सकता है, वरना लिखा हुआ है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बस ये चल जाए भाई कॉलिंग वाला किसी तरह। चलो भाई बात हो गई, उन्होंने पूछा कि हॉस्टल में रुके हुए, मैंने कहा तो खोल दिया गेट, देख रहे हो मस्त एकदम। चलो जब यहां से गाड़ी को लेकर गया था बिल्कुल ऐसे गंदी सी हुई पड़ी थी, बट अब चमचमाती गाड़ी को वापस लेके आया हूं। बट मेरी पार्किंग की जगह तो किसी ने घेर ली भाई, इसकी जगह अब कहीं और लगानी पड़ेगी। ये देखो भाई, ये गाड़ी वाले ने मार ली मेरी पार्किंग, बट इसके पीछे वाली खाली है, तो लेट्स गो, या तो यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ भी सही है वैसे तो, ठीक है चलो। ये देखो भाई ब्रांड न्यू ऐसे चमचमाती हुई गाड़ी, अंदर से भी और बाहर से भी, लॉक कर देता हूँ। चलो जी, अपने भाई जो है वो लेने के लिए आ गए हैं अपने को, उनका घर पास में ही है यहाँ से, मतलब 10 मिनट की वॉक पे, रात के 10 बज रहे हैं, तो मैंने कहा आ ही जाओ भाई, कहीं मेरे को मिले ना रास्ता वास्ता दिक्कत होगी। नीचे खड़े है हॉस्टल के, वो जाते हैं, भूख तो इतनी लग नहीं रही, थोड़ा बहुत खा लेंगे, बट वैसे वार्तालाप हो जाएगी। लो भाई आ गए हैं, आपने कल वाले व्लॉग में भी मिले होंगे भाई से, यहाँ से जा रहे हैं भाई। और अभी मैं शाम को जब आया ना, इतनी ठंड नहीं हो रही थी, बट अब एकदम से ठंड बढ़ गई है बारिश की वजह से, तो ऐसे मतलब हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो जी लो भाई के फाइनली अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, टिपिकल प्रॉपर आयरलैंड या फिर यूके में जैसे अपार्टमेंट होते हैं ना वैसे। कितना पे कर रहे हो टोटल यहाँ का? ये 700 पाउंड टोटल पूरे इसका, 2 BHK। हाँ तो बहुत सही है, 4 लोग रह रहे हो ना इसमें आप? फिलहाल 4 लोग हैं। तो फिर तो कितना पड़ा, 200-250 भी नहीं पड़ा है ना, बहुत सही है उस हिसाब से। चलो जी, बाकी ये डाइनिंग हॉल है, यहीं पे एक बेड लगा, तो ये एक बेड इंक्लूडेड है या लिविंग रूम है? ये सोफा कम बेड है, तो इधर मैं रह लेता हूं। अच्छा, वैसे है ये लिविंग रूम ना? ये लिविंग रूम है, इधर अलाउड नहीं वैसे रहना। हाँ ठीक है, सही है भाई। खाना वाना खा लिया है, बातों में इतना लग गए कि शूट वूट करा ही नहीं कुछ भी, बट अच्छा था खाना, धन्यवाद जी खाने के लिए है। और भाई का ये स्कूटर है इलेक्ट्रिक, इसमें जा रहे हैं भाई छोड़ने मुझे। अभी वैसे तो मैंने कई कंट्रीज में चलाया है, तो आपने देखा ही होगा, बट इसमें क्या है 25 माइल्स की रेंज है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चल जाता है एक फुल चार्ज में। और भाई स्पीड भी, टॉप स्पीड कितनी है इसकी? 25 माइल्स की टॉप स्पीड है, किलोमीटर किलोमीटर की स्पीड है, तो काफी सही है भाई 25 किलोमीटर आराम से। देख रहे हो, यहाँ पे इन देशों में तो सही है, यही ले लो अपना, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो इसी में जाओ अपना घूमने फिरने का देश है ना, सही है। चलो बाकी चले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भैया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।